नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जयंत बस पड़ाव चौराहा में बने ब्रेकर के पास सड़क क्षतिग्रस्त होकर गहरे गड्ढे में तब्दील होने से बाइक सवार चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लगभग 2 माह से यह सड़क जर्जर हुई है, फिर भी NCL द्वारा सड़क का मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। दरअसल बस स्टैंड पड़ाव से जयंत NCL कॉलोनी एवं CCM ऑफिस जाते वक्त चौराहा पर बने ब्रेकर के बाद सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि बारिश के दिनों में गड्ढे का पता न चलने के कारण मोटरसाइकिल एवं स्कूटी सवार चालक आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। यहाँ तक छोटे फोर व्हीलर वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। यह समस्या लगभग 2 माह से है, इसके बावजूद NCL प्रबंधन सड़क का मरम्मत कार्य कराने से परहेज कर रही है। यहाँ कई वाहन चालकों ने बताया कि सड़क मरम्मत कराने का जिम्मा NCL का है। विदित हो कि यह जयंत का एकमात्र प्रमुख बस स्टैंड है। यह बस स्टैंड स्थानीय बसों के साथ साथ अंतर्राज्यीय बसों का भी पड़ाव स्थल है। वहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग भी है। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में वाहनों का आवागमन मार्ग में इस तरह के बड़े गड्ढे खुलेआम हादसों का आमंत्रण दे रही हैं। समस्या को प्रमुखता से संज्ञान में लेकर NCL प्रबंधन को तत्काल सड़क की मरम्मत करनी चाहिए, अन्यथा कभी भी बड़ा हादसा घटित हो सकता है। जयंत से गणेश सिंह विशाल की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए सिंगरौली लाइव को सब्सक्राइब और फॉलो करें।